ढाबे पर काम करने वाला ये एक्टर आज है करोड़ों का मालिक। बॉलीवुड में कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया। उनमें से एक नाम है कॉमेडियन संजय मिश्रा का। आज बॉलीवुड में संजय मिश्रा को कौन नहीं जानता। एक वक्त था जब वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए ढाबे पर काम करने लगे थे। बिहार के दरभंगा में जन्मे संजय मिश्रा पिता की मौत के बाद अभिनय छोड़कर ढाबे पर काम करने लगे थे। आज शायद ही कोई सिने प्रेमी होगा जो संजय मिश्रा को ना जानता हो, उनकी एक्टिंग की तारीफ ना करता हो। ढाबे पर काम करने के दौरान फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी ने उन्हें गोलमाल फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद से वे फिर से फिल्मी दुनिया में छा गए। संजय मिश्रा मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले हैं। उनके पिता शंभुनाथ मिश्रा पेशे से पत्रकार थे और उनके दादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। जब वे 9 साल के थे तो उनकी फैमिली वाराणसी आकर रहने लग गई थी। संजय ने अपनी पढ़ाई वाराणसी से केंद्रीय विद्यालय बीएचयू कैंपस से की। इसके बाद इन्होंने बैचलर की डिग्री साल 1989 में पूरी करने के बाद 1991 में राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल में एडमिशन लिया। संजय ने अपने करियर की शुरुआत सीरियल चाणक्य से की थी। करियर के शुरुआती दौर में ही उनके पिता का देहांत हो गया और मजबूरी में वे उत्तराखंड के ऋषिकेश चले गए और वहां एक ढाबे पर काम करने लगे। इस बीच एक दिन रोहित शेट्टी ने उन्हें अपनी फिल्म गोलमाल में काम करने का ऑफर दिया। संजय इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन रोहित के काफी कहने पर वे तैयार हो गए। इसके बाद रोहित ने ही अपनी दूसरी फिल्म ऑयल द बेस्ट में एक बार काम करने का ऑफर दिया। इसके बाद तो फिर संजय ने पलट कर नहीं देखा। कभी तंगहाली की जिंदगी जीने वाले संजय मिश्रा आज करोड़ों के मालिक हैं। आज उनके पास हर चीज है। उनके पास फॉर्च्यूनर और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। कभी मुफलिसी में दिन बिताने के लिए मजबूर हुए संजय आज करीब 20 करोड़ के मालिक हैं। पटना और मुंबई में कई घर हैं।